हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके अंदर प्राइस फ्लोर की बात हो रखी है एंड वी हैव टू कैलकुलेट डेड वेट लॉस एंड कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर क्वेश्चन। इसके अंदर बोला गया है कंसीडर अ मार्केट वेयर सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस आर गिवन बिलो। दिस इज सप्लाई फंक्शन। क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस इज इक्वल टू -14 प्लस पी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 91 -2 इंटू प्राइस ऑफ गुड एक्स। सपोज द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर लगा दिया गवर्नमेंट ने एट $42 पे एंड एग्रीज टू परचेज एंड डिस्कार्ड एनी यूनिट कंज्यूमर्स डू नॉट बाय एट द फ्लोर प्राइस ऑफ 42 पर यूनिट। तो इनका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर लगा दिया है कि इतना प्राइस तो इतना ही प्राइस है मिनिमम जो आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस 42 आप चार्ज कर सकते हो। अगर इस प्राइस पे कोई भी यूनिट सोल्ड नहीं होती है देन गवर्नमेंट खुद उस चीज को खरीद लेगी उतने प्रोडक्ट। तो इसमें इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो टू डेसिमल प्लेसेस में हमें निकालना है एंड फर्स्टली हमें निकालना है कि कॉस्ट टू द गवर्नमेंट कितनी पड़ेगी ऑफ बाइंग फर्म्स अनसोल्ड यूनिट। कि अगर $42 का प्राइस है और उसके ऊपर ऐसी क्वांटिटी है जो कि मार्केट में नहीं बिक रही। अब मार्केट में चीजें कब नहीं बिकती, या तो डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम है, जब तो मतलब ओवरऑल पूरी बिकी जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, जितनी सप्लाई हो रही है वो तो लोग खरीद ही रहे हैं। ये सिचुएशन जब आती है जब सप्लाई फर्म्स बहुत ज्यादा कर रही है लेकिन डिमांड कम हो रही है, जब फर्म्स के पास अनसोल्ड गुड्स बचते हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्राइस, मार्केट प्राइस इतना हाई है कि फर्म्स तो चाह रही है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिक जाए बट बायर्स रेडी नहीं है बाय करने के लिए। उस चीज में वैसी कंडीशन आती है प्राइस फ्लोर में जहां पर प्राइस गवर्नमेंट एक मैक्सिमम अच्छा खासा फिक्स कर देती है सप्लायर्स को बेनिफिट देने के लिए फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो वो ये कहती हैं कि अगर कोई भी आपकी यूनिट नहीं भी बिकती ना तो हम हैं यहाँ पे, हम खरीदेंगे। तो ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रही। फिर हमें निकालना है कंप्यूट द लॉस्ट इन टोटल लॉस सोशल वेलफेयर या जिसे हम डेड वेट लॉस कहते हैं, जो कि अगर $42 का प्राइस फ्लोर होता तो हमारा डेड वेट लॉस कितना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यस, तो यहाँ पे बात आ रही है मार्केट वही हमें डिमांड और सप्लाई दे रखी है कर्व और गवर्नमेंट ने 42 पे प्राइस फ्लोर लगा दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एट $42 पे हमारी कितनी मार्केट में सप्लाई है और कितनी मार्केट में डिमांड है। जब भी तो हम कहेंगे ना कि कुछ ऐसे गुड्स हैं भी जो गवर्नमेंट खरीद सकती है, यानी कि अनसोल्ड गुड्स है भी या नहीं है ये पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि $42 पे फर्म सप्लाई कितनी कर रही है। तो सप्लाई कर्व हमें दिया है क्यू एस इज इक्वल टू -14 प्लस पी एक्स। हमें प्राइस पता है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 42 पे, तो हमने 42 पुट कर दिया। तो 42 -14 28 यूनिट्स। यस, तो 28 यूनिट्स फर्म्स सप्लाई कर रही है। अब देखते हैं डिमांड कितनी है। तो डिमांड होता है 91 -2 इंटू पी एक्स गिवन है हमें, और हमें ये भी पता है कि प्राइस ऑफ एक्स है हमारा 42 जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। 91 -84, यस। सो यहाँ पे हम आ गए 7 यूनिट्स, यानी कि $42 पे फर्म्स रेडी हैं 28 यूनिट बेचने के लिए बट मार्केट में बिक सिर्फ 7 ही रही हैं। तो इसका मतलब अनसोल्ड गुड्स हैं। अनसोल्ड गुड्स का मतलब कि एक्सेस गुड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो आएंगे हमारी क्वांटिटी कितनी फर्म सेल कर रही हैं और कितनी डिमांड हो रही है उनका जो गैप होगा, यानी कि 28 -7 यूनिट्स इज इक्वल टू 21 यूनिट्स हमारी एक्सेस में।
अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये गवर्नमेंट खरीद लेगी। अब बताओ गवर्नमेंट किस प्राइस पे खरीदेगी? ऑब्वियस है, जब उन्होंने प्राइस फ्लोर 42 पे रखा है तो वो एक्सेस यूनिट्स को 42 पे ही तो खरीदेंगी। तो अगर मैं एक यूनिट को 42 रुपीज में गवर्नमेंट खरीद रही है, तो टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट को कितनी आएगी ये 21 यूनिट्स खरीदने के लिए? तो 21 को इंटू कर दूंगी मैं 42 से, ये मेरी टोटल कॉस्ट आएगी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 42 इंटू 21 को, तो 42 एंड 2 जो 882, यानी कि गवर्नमेंट की टोटल कॉस्ट आई $882। ये आपका आंसर हो। तो हमें सबसे पहले ये निकालने की कोई अनसोल्ड गुड्स है या नहीं भी है। तो हमने प्राइस 42 पे ये चेक किया कि क्वांटिटी कितनी मार्केट में सेल हो रही है, डिमांड कितनी हो रही है। तो इनका जो गैप है वही गवर्नमेंट खरीदेगी। इनका गैप है 21 यूनिट्स का, यानी कि 21 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, वो अनसोल्ड रहेगी फर्म के पास। तो वही अनसोल्ड गुड्स गवर्नमेंट खरीदेगी। अब किस प्राइस पे खरीदेगी, जो उन्होंने खुद सेट किया 42 पे, तो 42 को हम इंटू कर देंगे 21 से, तो हमारा आ गया आंसर $882। अब आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट बी आ गया। कंप्यूट द लॉस्ट सोशल वेलफेयर, डेड वेट लॉस कितना आया प्राइस फ्लोर की वजह से। अब मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, डेड वेट लॉस निकालना आपको, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, प्रोड्यूसर, तो प्रेफर कर लिए फर्स्टली हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से क्लियर कुछ नहीं बता सकते हम इकोनॉमिक्स में। मतलब डायग्राम बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे हमारे एक्सेस होंगे क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया प्राइस। अब मेरे को डिमांड और सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है, वो मैं करूंगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। तो मेरे को क्वांटिटी सप्लाइड मेरे को गिवन है -14 + Px। तो अगर मैं टेबुलर बनाऊ और मैं कहूंगी यहाँ पे प्राइस है मेरा, यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर मैं प्राइस को इस इक्वेशन में 0 पुट कर देती हूँ, तो मेरी क्वांटिटी आएगी -14। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो Q = -14 आ गया, वही लिख दिया। अगर मैं क्वांटिटी को 0 पुट कर दूं, अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 0 पुट कर दिया, तो ये यहाँ पे आके +14 में हो जाएगा, तो 14 आ गया। तो इसका मतलब क्वांटिटी, प्राइस जब मेरा 0 है, तो क्वांटिटी मेरी -14 की तरफ, मतलब यहां से जाएगी, यहां से सप्लाई का शुरू होगा। और प्राइस 14 पे मेरा क्वांटिटी 0 होगा, यानी कि प्राइस 14 जहां पे होएगा वहां पे मेरी क्वांटिटी 0 पे होगी, यानी कि यहां से ही आपका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ऐसा कुछ कहें। ये सप्लाई कर्व। अब बात करते हैं हम डिमांड की, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी हमें पता है 91 - 2 × Px। सेम प्रोसीजर, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मैं प्राइस को 0 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 2 × 0 0 हो गया, एंड ये आ गया 91। वही मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को 0 ले लिया। अब जब क्वांटिटी डिमांडेड को 0 लूंगी, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 0 = 91 - 2 × Px। सो 2 × Px = 91, तो Px = 91/2। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 0.025 × 10, 45.5, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 45.5। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड मेरी मैक्सिमम जाएगी 91 तक, जब प्राइस 0 है, और जब प्राइस 45.5 है, यानी कि यहां पर अगर मैं बनाऊं, तो मेरा क्वांटिटी 0 होगा यहाँ पे। तो मतलब ड्रॉ करूंगी तो मैं, ये मेरा आ गया डिमांड। ये कैलकुलेशन मैं हटा देती हूँ, और ये मेरा डिमांड और सप्लाई कर्व भी डिराइव हो गया, मतलब कर्व डिराइव हो गया, तो मैंने ये भी हटा दिया, स्पेस चाहिए हमको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मेरा इक्विलिब्रियम निकल गया। अब मेरा इक्विलिब्रियम क्या है, वो तो मैंने निकाला ही नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करते हैं, मतलब दिस पॉइंट।
तो यहाँ पर ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड को क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल लिख देंगे। क्वांटिटी डिमांडेड हमें पता है 91 माइनस 2 इंटू पी एक्स, क्वांटिटी सप्लाइड हमें पता है माइनस 14 प्लस पी एक्स। तो जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो 91 इस 14 को मैं इधर ले आती हूँ तो ये माइनस से प्लस हो गया। यहाँ पे प्राइस एक्स हमारा एज इट इज था, इस वाले को माइनस वाले को इधर लाके मैंने कर दिया 2px। यहाँ पे मैंने ऐड किया 105 आ गया और 2 + 1 3x, 3 × px आ गया और px मेरा निकल गया 105/3, 3 × 9 3 × 5 = 15, यानी कि ये मेरा है 35। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी थी आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, QD में या QS में। तो मैं QS में पुट कर देती हूँ इसको, -14 प्लस PX, PX है मेरा 35। तो यहाँ से लेस किया मैंने तो ये आ गया 21, यानी कि मेरी इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो मेरी 21 है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है। इससे कभी भी आपकी ना इनकरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ा सा आप वर्क करोगे लेकिन आपको श्योरिटी रहेगी कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट। मैं इस डायग्राम, अब बात आती है, हमें दे रखा है प्राइस फ्लोर इज 42, मेरा इक्विलिब्रियम 35 पे है, प्राइस फ्लोर इससे ऊपर है, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट ने लगा रखा है प्राइस फ्लोर। और ये थोड़ी सी मेरा जो 45.5 और P मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, ये है आपकी 45.5, ये है प्राइस एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने लगा दिया 42। अब आप देखो कि ये एक्सेस क्वांटिटी सप्लाइड इतनी थी, डिमांड इतनी थी, ये तो गवर्नमेंट ने खुद खरीद ली। अब ये कह रहे हैं अगर प्राइस फ्लोर है आपका 42 पे तो डेड वेट लॉस क्या होगा। तो 42 प्राइस पे डिमांड इतनी है, इक्विलिब्रियम इतना होना चाहिए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ही है, प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला एरिया होगा, कंज्यूमर सरप्लस ये वाला एरिया होगा, ये हमारा होता है कंज्यूमर सरप्लस बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला होगा, एंड ये एक ऐसा एरिया है जो कि वेस्ट जाता है, ना कंज्यूमर के पास आएगा ना प्रोड्यूसर के पास आएगा। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमारा होता है डेड वेट लॉस, हमें यही कैलकुलेट करना है। अब आप देखो अगर मेरे को एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरे को ये पता है कि ये पॉइंट 21 है, मेरे को ये भी पता है एक पॉइंट मेरा 42 है, लेकिन मेरे को ये थर्ड वन नहीं पता, अब ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये कैसे निकलेगा। आप ये देखो ये 42 प्राइस पे ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्वांटिटी और ये वाली सेम ही तो होगी, ये हमें ये वाली वैल्यू निकल जाएगी इससे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं प्राइस मेरे को 42 गिवन है, ये मैं डिमांड, क्योंकि ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो है ये डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर प्राइस 42 है। तो जब प्राइस 42 है तो क्वांटिटी कितनी है मेरे को वही निकालना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने पुट कर दिया आपकी डिमांड की इक्वेशन में, 91 माइनस 2 इंटू पी एक्स जो कि है 42, जब मैंने निकाला 91 माइनस 84 7 यूनिट्स जो कि हमने लास्ट में निकाला था पिछले पार्ट में, तो ये आ गई हमारी 7। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे मान लो ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है, तो ये बेस निकालने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए ना, इसका मेरे को ये पता चल गया क्वांटिटी 7 है, बट ये क्या है, ये कहां से निकालोगे ये वाला पॉइंट। तो 7 पे सप्लाई कितनी हो रही है,
क्योंकि ये वाला सेवन क्वांटिटी सप्लाई को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं सप्लाई कर्व में सेवन पुट कर दू क्वांटिटी की जगह, तो मेरे को ऑफकोर्स प्राइस मिल जाएगा, तो मैं वो ही करूंगी। तो क्वांटिटी सप्लाइड मेरे को ये कर दे रखा है ऐसे इक्वेशन, क्वांटिटी सप्लाइड मेरे को सेवन पता चल गई, ये मैंने इसी में ही पुट कर दिया, -14 प्लस पी एक्स, और जब मैंने पी एक्स को निकाला ये मेरा निकला 7 प्लस 14, ये आ गया आपका 21। तो मतलब ये वाला पॉइंट है हमारा 21। क्या ये सही आ रहा है? हाँ सही आ रहा है। इक्विलिब्रियम 35 है, उससे कम आ रहा है, हमारा इंटरसेक्ट यहाँ पे 14 पे कर रहा है, उससे ऊपर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है 21। अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये हटा दिया, ये आपको लेंथी लग सकता है लेकिन कुछ भी नहीं, आपको बस ये देखना है हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और वो निकालने के लिए आपको आपका कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, प्राइस लाइन से और डिमांड से या सप्लाई से, और हमें कौन सा एक्सिस पता है, हम दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं लगा देती हूँ हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है ट्राइंगल का, ए बी सी अगर मैं बोल रही हूँ, तो बेस है मेरा ए बी और हाइट है मेरी, अगर मैं इसको डी भी मार्क कर दूं बीच में इस पॉइंट को डी, तो सी डी मेरा जो है ये वाला जो है मेरा, ये हमारी हाइट है। तो ए बी कितना है यहाँ पे, हाफ इंटू ए बी कितना है हमारा 42 -21 जो अभी निकाला है, इंटू सी डी क्या है हमारा इसका गैप 21 -7। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया है 42 -21 21, और 21 -7 इज इक्वल्स टू 14, 2 7 जा 14, ओके, सो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, सो 147 इज आर डेड वेट लॉस। तो अगर आप यूं बताओगे तो हमारा डेड वेट लॉस आ गया 147। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम डेड वेट लॉस या कॉस्ट टू गवर्नमेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें कंज्यूमर सरप्लस इसी क्वेश्चन में बोले तो हम वो भी निकाल सकते हैं, वो क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे। अब बेस ये रहा, हाइट ये रहा, तो हाइट कितनी होगी 45.5 -42, बेस कितना हुआ 7 -0, तो ये भी निकाल सकते हैं। फिर हमारा ये पूरा आता है प्रोड्यूसर सरप्लस, ये भी हम निकाल सकते हैं। आप दो मेथड यूज कर सकते हो, या तो ट्रापीजियम का फॉर्मूला यूज करो, या इसको रेक्टेंगल का पहले निकालो फिर प्लस दिस ट्रायंगल निकाल दो, दोनों से सेम आएगा आपका आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय।